दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम डिफरेंट तरीके से पनीर के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक मसाले लिए हैं, बस दो तीन चीज़ें ही ली है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पनीर ले लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे ग्रेट कर लिया है ग्रेटर के हेल्प से। देखिए कुछ ऐसे हमें ग्रेट कर लेना है। जो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दो मीडियम साइज़ के अनियन को चॉप कर लिया है और तीन से चार हमने ग्रीन चिली को चॉप किया। और ग्रीन चिली को ऐसे ही थोड़ा बड़े बड़े साइज में चॉप करना है, छोटे साइज में नहीं चॉप करना है। अब टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा बस हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। मम्मी अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अभी हमें कुछ और मसाले डालना है, सारे मसाले नहीं डाला है, बट इसे हम अभी अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं, उसके बाद और मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पनीर का स्टफिंग बनके तैयार है। अभी तैयार नहीं आता, तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन डाल देंगे, जिससे कि पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स मैं अपने ना सारे पराठों में अजवाइन ज़रूर से ऐड करती हूँ, क्योंकि उसमें ना अलग सा ही टेस्ट निकल के आता है। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे मिक्सअप, जो लोग नहीं डालते ना एक बार डाल कर देखना मिक्सअप, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, बस ज़रा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज एकदम मसाले मसाले जैसे लगेंगे। देखिए हमने बस थोड़ा सा ही रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डाला है। देखिए तो हम आटे की डोई लेंगे ऐसे कुछ इस तरीके का। इसमें हम थोड़ा सा जो सूखा आटा ना उससे डस्टिंग कर देंगे। अब चार से पांच स्पून इसमें हम ये जो स्टफिंग को तैयार किए इसे डालेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसे हम इस शेप में इसे हम बना लेंगे। ऐसे अपने हाथों से हल्का हल्का से इसे ऐसे हम करेंगे, इसे मस्त अच्छा सा एक पराठा बेल लेंगे। अब हमारा फ्रेंड्स तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। पराठों को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स अगर देखिए इसे हमने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। अगर आप कुछ भी घी बटर या फिर ऑयल जो भी खाना पसंद करते हो यहाँ पे आप उसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा मतलब लगा सकते हैं। बट फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे घी बटर ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है, हमें ऐसे सिंपल ही इंजॉय करना है। कभी कभी एकदम हमें सिंपल खाने का मन होता है ना, बस वैसे ही आज मेरे को मन हुआ एकदम सिंपल खाने का। देखिए इस स्पैचुला के हेल्प से इसे दबा दबा कर अच्छे से दोनों साइड से ना पका लेंगे। घी नहीं डालते हैं ना, घी बटर या फिर
तेल कुछ भी नहीं डालते ना, थोड़ा उसे कुक करने में थोड़ा सा ज़रा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट कोई नहीं, हम हेल्दी खाना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया सा पराठा बनके तैयार हो गया है। आप इसे सब्जी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय, मिलते रहिए।